हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा इंजीनियर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसके ऑफिशियल PDF को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये नए बैच जो है प्रत्येक सोमवार को स्टार्ट किए जाते हैं। अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ली जाती हैं और लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाती हैं। साथ ही पूरे कोर्स को कवर कराया जाता है और उसके स्टडी मटेरियल के PDF आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। अनअकैडमी द्वारा UPSC के लिए प्रत्येक सोमवार को 3 बैच लॉन्च किए जाते हैं। पहला बैच आपका मिशन बैच है, जो कि बायलिंगुअल होता है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। दूसरा बैच जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को खासकर ध्यान में रख के बनाया गया है, लक्ष्य बैच, जो कि हिंदी मीडियम के लिए है। तीसरा बैच जो है एक्सपीडिशन बैच है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैच की टाइमिंग जो है 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। सारे स्टडी मटेरियल के आपको PDF नोट दिए जाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें आपके 1-to-1 डाउट क्लियर किए जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग टेबल खुल जाएगी। आपको यहाँ पर ये प्राइस नहीं पे करना है। यहाँ पर आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करना होगा। जैसे SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपको लगभग 7,000 से 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका जर्नल एप्टीट्यूड का होगा, दूसरा आपका टेक्निकल तथा प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड होगा। जर्नल एप्टीट्यूड में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर टेक्निकल नॉलेज में आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जिस ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लेंगे वो लोग जो है ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर बनाई जाएगी। वहीं पर अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो इसका 85% वेटेज रहेगा और इसमें आपको कम से कम सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 50% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पर जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल में आपको कम से कम 60% नंबर लाने होंगे। अगर आप अनरिजर्व और EWS कैटेगरी में हैं और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD कैटेगरी में है तो आपको 54% मार्क्स लाने होंगे। अगर ग्रुप टास्क की बात करें तो ये 5% वेटेज रहेगा आपकी मेरिट में। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है अनरिजर्व और EWS के लिए और 33.33% है SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। वहीं पर पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज आपकी मेरिट में 10% का रहेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% अनरिजर्व और EWS के लिए हैं। वहीं पर 33.33% जो है SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। और अगर फाइनल स्कोरिंग की बात करें तो फाइनल में आपको कम से कम 60% नंबर लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व और EWS में हैं। वहीं पर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 54% नंबर लाने होंगे। और इससे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।